एक बड़ी अच्छी बात, बार बार जब स्वामी जी को देखता हूँ तो मुझे वो बात याद आती है, कब तक भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, कब तक भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, क्या पता भगवान भी तेरे ही भरोसे बैठा हो। कोई सुपात्र मिल जाए, भगवान कभी कभी खुद काम नहीं करते। श्री कृष्ण कहां लड़ाई कर रहे हैं, श्री राम कहां लड़ाई कर रहे हैं, सुग्रीव को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, लेकिन भगवान भी कहते हैं कोई सुपात्र मिल जाए। हम शरीर में हैं, साकार हैं, निराकार परमात्मा क्या पता इंतजार में बैठा होगा कि मेरे बच्चों कभी तुम भी स्वामी विवेकानंद को देखकर जगो। 4 साल का समय बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है पूरी दुनिया को हिलाने के लिए। 4 साल का समय, उस व्यक्तित्व ने अपनी चेतना को ऐसा जगाया कि जब लोगों ने पूछा था समय से पहले, 1 महीने पहले की बात है, जब लोगों ने पूछा था स्वामी जी आप इतने बीमार हो गए हो अब क्या होगा, वो एक बड़ी प्यारी बात वो कहते हैं, जब चेतना बहुत शीर्ष पे पहुंच जाती है तो ये साकार शरीर उसको धारण नहीं कर पाता, तो उसे टूटना पड़ता है। बल्ब में ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को धारण करने की क्षमता बल्ब में नहीं होती। कहीं ना कहीं स्वामी जी भी उस बल्ब की तरह कार्य कर रहे थे, चेतना जब प्रखर रूप में उठी तो बहुत अल्पायु में ही वो ब्लास्ट कर जाती है चेतना शरीर को। लेकिन जब चेतना ब्लास्ट करती है, शरीर को खत्म कर देती है, तो पूरे सृष्टि में चारों तरफ बिखर जाती है। क्यों? ताकि कोई प्यासा फिर से जगेगा, कोई रेडियो अपना फिर से ऑन करेगा तो वो स्वामी विवेकानंद के रेडियो स्टेशन की चेतना एक बार फिर से उसको रिसीव कर लेगी, कैच कर लेगी और उसी दिशा में आगे बढ़ाएगी। जनवरी का महीना चल रहा है, माँ सरस्वती की उपासना आराधना हम सभी करते हैं जनवरी के माह में। जिस महान विभूति की याद में हम सभी एकत्रित हुए हैं उनका भी नाम विवेकानंद है। माँ भगवती विवेक की देवी है, विद्या की देवी है, और इसी माह में वो विवेकानंद भी जन्म लेते हैं। 3 देवियों की उपासना हम सभी करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे युवाओं को, भारत के लोगों को भ्रमित करने के लिए अनेक तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा है। पहला सवाल ये उठता है कि सरस्वती पूजा करने से किसको विद्या मिलती है, ये पहला सवाल आजकल, ये दिस इज कॉल्ड ए बर्निंग क्वेश्चन। युवाओं को कहते हैं किताबें पढ़ो, सरस्वती पूजा करने से तुम्हें विद्या नहीं मिलने वाली, जबकि वो भूल जाते हैं कि भारत में 2 तरह के कर्म और 2 तरह की शिक्षा की बात की गई है। जब अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, हे वसुदेव आप कहते हो कि ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों धक्के दे रहे हो, मैं भी एक ज्ञानी बनकर ज्ञान योग की साधना करना चाहता हूं और अपने जीवन को उत्कर्ष के स्थिति पे पहुंचाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे थे कि सुनो हे पार्थ, तुम ज्ञान योगी बनो या कर्म योगी बनो, दोनों में एक चीज जो समान है वो कर्म है। ज्ञान योगी को भी कर्म करना पड़ता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, और कर्म योगी को भी कर्म करना पड़ता है कर्म योगी बनने के लिए। यानी कर्म से कोई विमुख नहीं हो सकता। जब देवी सरस्वती की पूजा की बात की जा रही है तो आंतरिक विद्या, आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की बात की जा रही है, जो हमारे गुरुवर भानु प्रताप जी अभी बात कर रहे थे, अंदर की शिक्षा जगाओ। अंदर की शिक्षा जगेगी कैसे? ये जो किताबी पढ़ाई है वो बाहर की शिक्षा है, लेकिन जब आत्मा जगती है, जब आध्यात्मिक उन्नति इंसान करता है तो अंदर से माँ सरस्वती जगती है, सरस कर देती है उसके व्यक्तित्व को विद्या से और ज्ञान से, तब जाके कोई विवेक का आनंद पैदा होता है। जब विवेक जगता है तो आनंद भी जगता है उसके साथ में, तब जाकर कोई विवेकानंद जन्म लेता है।
और जब माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है तो माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, दौलत की देवी नहीं है, वो हमारे गुणों की देवी है जो हृदय में वास करती है। जब इंसान गुणवान बनता है तो स्वतः माँ लक्ष्मी भौतिक रूप से धन के रूप में चली आती है, चाहे वो इंसान व्यापार करे, चाहे वो सेवा करे, चाहे वो राष्ट्र की सेवा करे, चाहे सैनिक बनकर युद्ध करे, जिस भी क्षेत्र में इंसान कार्य करता है अपने गुणों के साथ, गुणों से संपन्न होने के साथ, तो निश्चित तौर से दौलत उसके पास खींची चली आती है, वो धन की देवी है। लेकिन वहीं पे माँ दुर्गा की भी उपासना हम कर रहे हैं तो माँ दुर्गा की उपासना करने वाले कुछ लोगों को अक्सर ये कहा जा रहा है कि शेर पे एक स्त्री को बिठा देते हो और सोचते हो कि देवी की पूजा कर लेंगे तो बस देवी प्रसन्न हो जाएगी। ये भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं और पढ़े लिखे लोग इस तरह के भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। वो माँ देवी प्रतीक के रूप में शेर पे सवारी कर रही है कि मैं शेर पे बैठती हूं, शेर यानी शरीर है, शेर जैसा बना दो शरीर को, और कोमल आत्मा है जो उसके ऊपर सवारी कर रही है। यानी जब कभी भी कोई इंसान अगर माँ भगवती की उपासना करता है, शेरों वाली माता की उपासना करता है, तो प्रथम पहला प्रश्न उसके मन में उठना चाहिए कि क्या मैं अपने शरीर को बलिष्ठ करने और मजबूत और शेर जैसा बनाने के लिए कुछ कर रहा हूं। अगर मैं कर रहा हूं तो माँ भगवती की शेरों वाली माता की उपासना कर रहा हूं। यहां भारत का जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म और विज्ञान अलग नहीं है। ये बहुत बड़ी चर्चा आज उठ रही है, धर्म इंसान को मूर्ख बना रहा है, धर्म इंसान को, कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म अफीम की गोली है, लोग बेहोश हो रहे हैं धर्म में और लोगों का शोषण किया जा रहा है। कार्ल मार्क्स कह सकता है ये बात, अगर वो भारतीय होता तो कभी नहीं कहता, क्योंकि विज्ञान हमारे धर्म से उत्पन्न हो रहा है, भारत के सनातन धर्म से, हमारे किताबों से, हमारे धार्मिक किताबों से धर्म उत्पन्न हो रहा है। विश्व का सबसे कठिन मैथमेटिक्स, द टफेस्ट मैथमेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, एक इंसान वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को अगर ठीक से समझ ले तो उंगलियों पे 10-10 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारा कुछ अपनी उंगलियों पे बच्चे आजकल कर रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से। वो मैथमेटिक्स हमारे वेदों से उत्पन्न हो रहा है, विज्ञान हमारे धर्म से अलग नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा, कोरोना के काल में, लॉकडाउन के समय में पूरी दुनिया ने माना कि अगर जीवन को बचाना है तो आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा। आज अमेरिका के लोग भी मान रहे हैं इन बातों को, यूएस के लोग भी मान रहे हैं। जिन छोटी छोटी चीजों को हम जड़ी बूटियों के साथ जोड़ा करते थे, आज वो भी मान रहे हैं कि भारत का आयुर्वेद ही सबसे अच्छा है। और वो आयुर्वेद कहां से आया? हमारे धर्म की किताबों से निकल कर आ रहा है। मेडिकल साइंस है वो, और हमारे धर्म की किताबों से निकल कर आ रहा है। मैथमेटिक्स है, धर्म की किताबों से निकल कर आ रहा है। नासा 1950 में ढूंढने लगा, बताने लगा 1950 के बाद कि मून और इक्लिप्स कब होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, जबकि हमारे भारत में तो 10-15 रुपए में एक पंडित जी पत्रा देखकर बता देते हैं कि कौन सा शुभ नक्षत्र है आपके जीवन में और कब शादी विवाह होगा। और ये हजारों हजारों सालों से चल रहा है, आज का नहीं है, हजारों हजारों सालों से चल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 16 तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, 16 तरह की। एक इंसान उस धरती को देखकर, वहां के वातावरण को देखकर, माहौल को देखकर बता सकता था, जो शोध करता था कि इस जमीन के नीचे पानी है, ये विद्या पढ़ाई जाती थी। पढ़ाई जाती थी कि किस समय एक माता पिता संसर्ग करेंगे तो किस तरह की संतान उत्पन्न होगी आने वाले भविष्य में, यह भी पढ़ाई जाती थी। और तब भारत, विश्व के दूसरे लोग, भारत के लोगों को, जो कभी भारत विश्व गुरु था, इन विश्व गुरु की संतानों को आज कोई और भ्रमित कर रहा है कि विज्ञान अलग है और धर्म अलग है। बता दें उनको आगे से कि हमारे धर्म से ही विज्ञान उत्पन्न हो रहा है और यही विश्व का कल्याण कर रहा है। ये छोटे छोटे जो भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही है, ये पूरे देश को बर्बाद कर देने के लिए भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही है। तिब्बत एक राष्ट्र है, दलाई लामा ने शरण ले रखी है भारत में, हम सभी को पता है। तिब्बतियंस के लिए दलाई लामा जीवित भगवान है। आपको पता है दुनिया के सबसे ज्यादा टफेस्ट आर्मी, सबसे कठिन आर्मी, 12,000 के फीट से भी ऊपर कम ऑक्सीजन में अगर कोई योद्धा लड़ सकता है तो वो तिब्बतियन है।
सबसे कम ऑक्सीजन में अगर कोई लड़ सकता है तो वो तिब्बतियंस हैं, लेकिन उन तिब्बतियंस को चाइना ने कैप्चर कर लिया। कैसे कैप्चर करता है? उन योद्धाओं को कोई पराजित नहीं कर सकता था, चाइनीज आर्मी भी पराजित नहीं कर सकती थी, लेकिन एक छोटा सा षड्यंत्र, बहुत छोटा सा, चाइना ने चाल चली और उसके बाद से आज तिब्बत उसके कब्जे में है। किया क्या उसने? अपने चाइनीज नौजवान लड़कों को तिब्बत भेजना शुरू कर दिया टूरिस्ट के नाते। टूरिस्ट हैं ये, जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, वापस आएंगे, लेकिन साथ में हिडन एजेंडा ये था कि दोस्ती बढ़ाओ। दोस्ती किससे बढ़ाओ? वहां की बालिकाओं से दोस्ती बढ़ाओ, वहां की लड़कियों से, वहां की कन्याओं से दोस्ती बढ़ाओ। और दोस्ती बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में चाइनीज लड़की उन लड़कियों से शादी करने लगते हैं। जिस घर का लड़का चाइनीज होगा तो पूरे घर की संवेदनाएं तो जुड़ जाएगी ना चाइना के साथ में ऑटोमेटिक। यानी कि एक लड़की अगर शादी कर लेती है चाइनीज किसी नौजवान से, तो वो पूरा का पूरा घर एक ही बार में चाइना के पक्ष में चला जाता है। मानसिक रूप से मतांतरण हो चुका उसका। धीरे धीरे करके सारी लड़कियों को वो लोग शादी करते हैं, और शादी करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते मानसिक रूप से तिब्बत के लोग चाइना के फेवर में हो चुके थे, क्योंकि दामाद जी तो हमारे चाइनीज हैं। जब चाइनीज गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी कब्जे करने के लिए, सिर्फ 5,000 या कुछ आर्मी चाइना ने भेजा था, और सिर्फ 4,000 से 5,000 आर्मी के सामने हमारे तिब्बतियन योद्धा तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लगभग 7,000 के आसपास उनकी आर्मी थी, लेकिन जब आम इंसान पहले से ही चाइना के फेवर में है तो विद्रोह कौन करेगा? तिब्बत को कैप्चर कर लिया, कब्जे में कर लिया तिब्बत को चाइना ने। यही लगभग भारत में भी हो रहा है। यह विज्ञान के नाम पे, जो मैं आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैंने भी साइंस में ग्रेजुएशन किया है, मैंने भी MBA किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में, और कंप्यूटर्स में डिप्लोमा किया है, तो मैं साइंस का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कुतर्क वाले साइंस का बिल्कुल मैं विरोधी हूँ। विज्ञान का मतलब होता है एक विशेष ज्ञान, एक स्पेशलाइजेशन। यू आर द एक्सपर्ट इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उस विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे बुद्ध के पास परम ज्ञान था, लेकिन बुद्ध को कोई कहे कि साइकिल का पंचर बना दो तो बना देंगे क्या? संभव नहीं है। महावीर परम ज्ञानी थे, लेकिन कोई कहे कार रिपेयर कर दो तो कर देते क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। कार रिपेयर करने वाले इंसान के पास एक खास तरह का विशेष कार रिपेयर करने की क्वालिटी है, इसलिए वो कार के विज्ञान को समझता है। लेकिन बुद्ध ओवरऑल विज्ञान को समझते हैं, प्रकृति के विज्ञान को समझते हैं। तो हमें अपने आसपास में इस तरह की जो भ्रांतियां फैल रही है उनसे बाहर निकलने की जरूरत है, नहीं तो हमें भी तिब्बत की तरह भ्रमित किया जाएगा। और कोई धीरे से, जैसे पानी चट्टानों के ऊपर से पानी नहीं बहता, चट्टानों के नीचे नीचे से पानी रिश्ते रिश्ते चला जाता है और घर की नींव को गिरा सकता है, उसी तरीके से चाइना ने भी किया। आज जो कुछ हो रहा है, हमारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है इन छोटी छोटी बातों को लेकर, ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को भ्रमित करके हमें कमजोर किया जा रहा है मानसिक रूप से। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति के बाद जब क्रांति खत्म हो गई, तो जो क्रांतिकारी उन जेलों में बंद थे, उन सबको, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने जेल को तोड़ डाला, गेट तोड़ा और सबको कहा आप सब मुक्त हो, आप हमारे देश के योद्धा हो, आप सभी मुक्त हो। कोई वहां 5 सालों से था, कोई 10 सालों से था, कोई 20 सालों से था। आपको पता है शाम को मैक्सिमम कैदी वापस चले आए थे शाम को, और जेल में ही उन्हीं काल कोठरियों में चले गए थे, हथकड़ियां फिर से उन्होंने बांध ली थी। लोगों ने पूछा आप तो मुक्त हो, अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो? तो वो कहते हैं अब इन बेड़ियों से भी लगाव हो गया है, इनकी जो आवाज है ना, कड़कने की आवाज, भारी चलने की आवाज, इन कमरों से, इन दीवारों से भी लगाव हो गया है। अब घर अच्छा नहीं लगता, समाज अच्छा नहीं लगता, अब तो हम चाहते हैं कि यहीं हम पड़े रहें। ये मानसिक गुलामी है। लंबे समय तक इस तरह की परिभाषाएं उन फ्रांस के कैदियों की तरह सुनाया जाए, उस माहौल में लोगों को रखा जाए, तो हमारे भारत के नौजवान युवाओं को और माता और पिता को भी भ्रमित किया जा सकता है बहुत आसानी से। उसके लिए फिर किसी भी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से थोड़े से हमले के साथ, क्योंकि मानसिक रूप से हम तैयार हैं पहले से, ये हो सकता है। ये वार्निंग हम सभी के लिए। स्वामी विवेकानंद की स्थिति जो है, स्वामी विवेकानंद साहित्य पढ़ना चाहिए,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़कर हम स्वामी विवेकानंद को जान सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद बनेंगे कैसे? हमें स्वामी विवेकानंद बनने की जरूरत है। उस समय एक भ्रम था भारत में कि समुद्र पार करने वाला अशुभ होता है, यानी उस समय के समाज में यह भ्रम था कि समुद्र जो पार करता है वो पापी है, वो अशुभ है। नियम को तोड़ा था स्वामी विवेकानंद ने। क्यों नहीं तोड़ते? जब हजारों वर्ष पहले हमारे भगवान श्री राम समुद्र को पार कर सकते हैं और रावण का वध कर सकते हैं, जब श्री कृष्ण अपनी राजधानी समुद्र में बना सकते हैं, तो स्वामी विवेकानंद समुद्र क्यों नहीं पार कर सकते? लेकिन समाज की उस भ्रांतियों को तोड़ा था स्वामी विवेकानंद, गए थे वहां पे बताने के लिए। आपको पता है विचित्र स्थिति, 12 वर्ष की पूरी यात्रा में, स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा में, जब उन्हें जब शिकागो धर्म सम्मेलन की खबर आई थी, जब लोगों ने कहा था कि आपको जाना चाहिए, तो भारत के उस समय की बड़े बड़े विद्वान, योगाचार्य, वेदाचार्य और बड़े बड़े पंडितों के पास जाकर उन्होंने विनती की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप विद्वान हो, आप सब जानते हो, आप पूरे धर्म के सार को जानते हो, जाओ आप शिकागो धर्म सम्मेलन में। पता है क्या वक्तव्य आया? उन मलेच्छों के देश में, उन मलेच्छों के देश में समुद्र पार करके हम समुद्र पार करने का पाप नहीं करेंगे, उन मलेच्छों को बोलो हमारे देश में धर्म सभा करें और तब हम उसमें शामिल होंगे। यह स्टेटमेंट था। स्वामी विवेकानंद मनाते रह गए, कोई तैयार नहीं हुआ। लास्ट में स्वामी विवेकानंद भी 500 रुपए, मद्रास के युवाओं ने उस समय 500 रुपए चंदे में जमा किए थे। सोच लीजिए लगभग कितने वर्ष पहले की बात है, स्वामी विवेकानंद की जाने की यात्रा के खर्चे के लिए 500 रुपए जमा किए गए। लेकिन जब इस तरह की भ्रांतियां, समाज की भ्रांतियों को स्वामी विवेकानंद सुनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इन पैसों को, इन दान को वापस कर दो, मैं नहीं जाऊंगा, ये समाज इसके लिए तैयार नहीं है। और दान वापस कर दिया गया था, दान वापस कर भी दिया गया था। लेकिन जब अंतिम घड़ी आने लगी, अब लगा कि भारत से कोई नहीं जा पाएगा, कोई कह नहीं पाएगा, विद्वान तैयार नहीं है, स्वामी विवेकानंद जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो अंत में गुरु रामकृष्ण परमहंस सपने में आए थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस सपने में आए थे, कहा तो कुछ नहीं था, दिखाया था दृश्य कि स्वामी विवेकानंद समुद्र के किनारे खड़े हैं और सामने गुरु रामकृष्ण परमहंस दिखाई दे रहे हैं। पलट कर पीठ दिखाते हुए स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस समुद्र के लहरों पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ गए थे। बस इतना ही दृश्य दिखलाया था, इशारा था कि जब तेरा गुरु समुद्र को पार कर सकता है, चल सकता है, तो तू क्यों नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है, निजी हो सकता है कि तुम इस कार्य के कारण से तेरे पे कलंक लगे, बावजूद उसके तू तो मिट ही जाएगा एक न दिन, लेकिन राष्ट्र का बचना जरूरी है। और बस उसी इशारे के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं जाऊंगा, और उसके बाद लोगों ने, मद्रास के लोगों ने चंदा जमा किया और तब जाकर स्वामी विवेकानंद गए। जब लौट कर आए 4 वर्ष की उस पूरी यात्रा में, पूरे विश्व में, अमेरिका, यूरोप में, जब भारत का सनातन धर्म का ध्वजा फहरा दिया, लौट कर आए 4 जुलाई को, जब अंतिम यात्रा थी उनकी, यानी शरीर त्याग चुके थे, मठ के कुछ गुरुओं ने और स्वामी विवेकानंद के शिष्यों ने वहां के 2 हाईकोर्ट के जजों को बुलाया था कि हमारे गुरु चले गए, इतना बड़ा धर्म का पताका फहराया, बस अंतिम यात्रा में चले आओ, सम्मान हो जाएगा हमारे गुरु का। जजों ने मना कर दिया था, जो सनातन धर्म के नियम का उल्लंघन करता है उसके अंत्येष्टि में, अंतिम यात्रा में हम नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं, यानी जिसने पूरे विश्व में पताका फहरा दिया, उसको घर में सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग तैयार नहीं है मानसिक रूप से। लेकिन वो भूल गए, नेशनल हेराल्ड ने जब कहा था, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने कहा था स्वामी विवेकानंद को पहले दिन सुनने के बाद, कि पहली बार आज लग रहा है कि भारत में इस युवा को सुनने के बाद, इस ज्ञानी युवा को सुनने के बाद, जिस देश में ऐसे ज्ञानी युवा रहते हैं, उस देश में मिशनरीज को भेजना अपराध है, पाप है।
ये नेशनल हेराल्ड कहता है, एक क्रिश्चियन राष्ट्र कहता है, वहां का न्यूज़पेपर कहता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना हमारे लिए पाप है, अपराध है। अगर स्वामी विवेकानंद नहीं गए होते तो पूरे विश्व में यही इंप्रेशन था हम सभी का, हम सपेरों के देश हैं, हम सांप से खेलते हैं, हम भीख मांगते हैं, नन धड़ंग घूमते हैं, शमशान की भूमि के राह को अपने शरीर पे भस्म लगाकर घूमते रहते हैं। हमें शिक्षित करने के लिए मिशनरीज आती हैं और तब जाकर उनके कारण से हम शिक्षित हो रहे हैं। विश्व गुरु को वो पूरी दुनिया में कह रहे थे कि हम उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। पहली बार स्वामी विवेकानंद ने इस भ्रम को तोड़ा था, पहली बार स्वामी विवेकानंद अकेली दुनिया को उन्होंने बताया था कि भारत क्या है और सनातन धर्म क्या है। लेकिन पूरे विश्व, पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर लेती है उसको भारत के जज कहते हैं कि नहीं, धर्म के नियम को तोड़ा, इसलिए हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हमारे भी समाज में ऐसे कुछ भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं, बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। अभी कुछ लोगों का यह भी कहना है मूर्ति पूजा क्यों करना, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि देवी देवता की पूजा क्यों करना। मैं बस एक ही प्रश्न करूंगा कि प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन में, प्राइमरी शिक्षा में आप किताबों को जब देखते होंगे तो ए फॉर एप्पल लिखा होता है, क फॉर क से कबूतर लिखा होता है, बी से बालक लिखा होता है, ब से बालक है, ख से खरगोश लिखा होता है। तो यहाँ बच्चे जब क ख ग घ पढ़ने जा रहे हैं तो वहां कबूतर, खरगोश और आम और इमली की जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ए फॉर एप्पल की जरूरत क्या है? जरूरत है क्योंकि चित्र दिखाकर हम उनको कुछ खास ज्ञान दिखाना सिखाना चाह रहे हैं। वही चित्र ये देवी देवता की मूर्ति है, जब इनको हमारी आंखों से हम जब देखते हैं तो आंखें जिन चीजों को रिसीव करती हैं सीधा वो हमारे दिमाग में वो बातें दृश्य जग बनकर जाती हैं, और उस दृश्य को अगर शुभ दृश्य को धारण करेंगे तो शुभ पॉजिटिव विचार उत्पन्न होंगे, अगर नकारात्मक दृश्य को धारण करेंगे तो निगेटिव विचार उत्पन्न होंगे। ये मनीषी भारत के जानते थे और उसी के कारण से मनीषियों ने कहा कि जो भी धर्म के पथ पे चलने वाला पहला पथिक है, जब पहली बार नर्सरी एजुकेशन की तरह वो धर्म की शिक्षा लेने जा रहा है तो उसके सामने कोई दृश्य प्रकट करो, साकार दृश्य प्रकट करो, क्योंकि पहली बार में निराकार को कोई समझ नहीं सकता, जैसे मास्टर डिग्री के एजुकेशन में, जैसे पीएचडी के क्लास में, जैसे एमए के क्लास में, कभी भी किसी भी किताब में चित्र नहीं लिखा होता, सिर्फ कंटेंट लिखे होते हैं, विषय लिखा होता है और पढ़ने वाला समझ लेता है, लेकिन नर्सरी के क्लास में चित्र की जरूरत पड़ती है। भक्ति की शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत किसी ना किसी मूर्ति से होगी, किसी ना किसी शुभ दृश्य से होगी, किसी ना किसी मंदिर से होना है, वो यात्रा वहां से शुरू होती है, तब जाकर वो कल्याण की दिशा में आने वाले समय में निराकार हो जाएगा। ये यात्रा चल रही है, स्वामी विवेकानंद की जो यात्रा चल रही, मैं सभी यात्रा में शामिल जितने भी हमारे मार्गदर्शक हैं, मैनेजमेंट टीम के लोग हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं नोटिस कर रहा था कि आपने जो टाइम फिक्स किया था उस टाइम पे बिल्कुल आपकी यात्रा चल रही है, आपकी गाड़ी उस टाइम पे पहुंच रही है। यहाँ की यात्रा का भी समय 6 बजे का था, मुझे लगता है कुछ मिनट्स की ही डिले हुई है, अदरवाइज आप इतनी भीड़ को पार करते हुए आ रहे हो और टाइम मेंटेन कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी एक यात्रा है, उस यात्रा में स्वामी जी की उस विशाल काय आदम कद प्रतिमा की जरूरत क्या है? अरे वो मूर्ति जो है ना, वो इंसान के हृदय में भावना जगाएगी, और सिर्फ आंखें सिर्फ मूर्तियां नहीं देखेंगी, दिल में भी स्वामी विवेकानंद कुछ पल के लिए जग जाएंगे। जब जगेंगे तो प्यास जगेगी, और जब प्यास जगेगी तो इच्छा होगी, कौन है स्वामी विवेकानंद? आज नगर के बच्चों ने पूछा होगा अपने माता पिता से, ये किसकी मूर्ति है, ये कौन है, कौन खड़े हैं वहां पे? पिता और माता मजबूर हो गए होंगे उन बच्चों को बताने के लिए, ये स्वामी विवेकानंद है। बच्चों ने पूछा है कौन है स्वामी विवेकानंद, आगे की भी बात बताने के लिए विवश हो गए होंगे, कल चर्चा होगी, लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि यात्रा चली है। कम से कम एक बार दोबारा से रिफ्रेश दिमाग में कर दिया इस छोटी सी मूर्ति ने और उन गाड़ी की यात्रा ने, आपने जो काम किया है वो निश्चित तौर से साकार से निराकार को जगा दिया है, जब निराकार जगता है तो साकार भी प्रकट होता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहते हो तो पूर्णता के साथ स्वीकार करो, जिसमें सनातन धर्म में साकार भी है, निराकार भी है, दोनों है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बड़े प्रेम से मुझे सुना, स्वामी जी के हृदय में स्वामी जी को
धारण करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।